अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आई टी ट्यूब टीवी चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी वीडियो के कलर कैसे सेट कर सकते हैं, वन क्लिक में आप कैसे कर सकते हैं और मैनुअली, दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं। जी तो गई, सबसे पहले आपने अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। जिस भी साइज़ का आपने प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियो बनानी है, वो आपने साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है। तो सिंपली मैं यही वाली वीडियो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये सिंपली वीडियो ऐड की हुई है मैंने, यहाँ पे इसकी कोई सेटिंग नहीं की हुई है, बिल्कुल मोबाइल से शूट की हुई वीडियो है, बिल्कुल ओरिजिनल। इसके मैं आपको कलर सेट करके बताता हूँ। ऑटोमेटिक भी आप सेट कर सकते हैं वन क्लिक में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वन क्लिक में आप कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने लेयर में आना है, इफ़ेक्ट में आ जाना है, नीचे की तरफ आपने आना है। यहाँ से आपको एक इफ़ेक्ट मिलेगा ऑटो एचडीआर का, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला इफ़ेक्ट नहीं है तो आपने नीचे जाना है गेट मोर में। यहाँ पर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो आपको यहाँ से साइड पर फोल्डर नज़र आएंगे, आपने यहाँ से कलर वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखें जी शार्पन, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ये भी आपकी जो वीडियो में काफ़ी, अगर शार्पन नहीं है मतलब ब्लर आपकी वीडियो है, आप उसको शार्प देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप ये वाला इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो एचडीआर ये वाला पड़ा हुआ है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बैक आ जाना है, आपने यहाँ पर ऑटो एचडीआर को अप्लाई करना है। ये देखें नीचे की तरफ आ गया इफ़ेक्ट। इसको अगर आप पूरी वीडियो के आपने कलर सेट करने हैं, सारी बात है, आपने इसको खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है, ठीक हो गया। मैं आपको इसके जो है सेटिंग करके थोड़ा सा हाफ वीडियो पे बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या चेंजिंग नज़र आएंगे। यहाँ से आना है आपने, इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। इससे आप इसकी जो है स्ट्रेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें जी कलर कितने सेट हो गए हैं पहले की नस्बत। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, दोनों में आपने फ़र्क देखना है। ये देखें, ये एक साइड पे ये वाली जो ओरिजिनल वीडियो चल रही है और ये साइड पे जो हमने इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है ऑटो एचडीआर का, दोनों में आपको फ़र्क आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया गाइस। इसमें आप ट्रांजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये वाला इफ़ेक्ट है, इसको हम खींच के यहाँ तक ले जाते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से इसको लाग लगा देना है इफ़ेक्ट को, और आपने वीडियो को मूव करके एंड पे ले जाना है। यहाँ पे आपने प्लस को दबाना है और आपने ये वाला जो है इफ़ेक्ट, इसको खींच के आपने बिल्कुल यहाँ पे आपने सेंटर में लेते आना, इधर तक ले आना, ठीक हो। इसको ओके करना है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ओरिजिनल वीडियो चल रही है, जो इफ़ेक्ट हमने अप्लाई किया था जिसमें आपने कलर चेंजिंग की है, वो चल के आ रहा है इधर से एक साइड से दूसरी तरफ। ये देखें जी, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट भी बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगर वीडियो की आपकी शार्पन नहीं है इफ़ेक्ट में आने के बाद, आप यहाँ से शार्पन वाला इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक नाइट का भी एक मिल जाएगा। अगर आप डे में शूट कर रहे हैं वीडियो तो आप उसको जो है उसमें चेंजिंग करके आप उसको नाइट विजन देना चाहते हैं तो आप ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह करके आपकी वीडियो का व्यू बन जाएगा। यहाँ से आपने इसको पूरी वीडियो तक ले जाना है और यहाँ से सेटिंग में आएंगे तो इसकी आप यहाँ से सेटिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह करके यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि मैनुअली। ये देखें जी, वीडियो कितनी ज़बरदस्त हमारी बन गई है, इसके कलर पहले की निस्बत कितने सेट हो गए हैं। आपने इसी तरह करके अपनी वीडियो की सेटिंग कर लेनी है। अगर आप ऑटो एचडीआर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।